हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं लच्छी वाला नेचर पार्क में, क्योंकि हमारे घर आ रखी है मौसी जी एक हफ्ते के लिए आ रखी है मौसी जी। मौसी जी को नई नई चीज़ें, नई नई जगह एक्सप्लोर करवाने वाले हम। चलिए फिर करते हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, जो लच्छी वाले आए होंगे उनको पता होगा, पहले यहाँ पर था नहाने का, बट अब यहाँ पर आपको पता है अंदर पार्क बहुत अच्छा बना दिया है, एडवेंचर पार्क बन गया है बच्चों के लिए, यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होगी हैं। तो मैंने जैसे जैसे यहाँ पर स्टैचू के पोजीशन थे, मैंने मौसी को बोला वैसे करो, जो जो पोजीशन मौसी को नहीं आए वो कराए मम्मी जी ने। अब इधर लाइक दिस। उसके बाद मैंने एक फ़ोटोज़ यहाँ पर ली, वीडियो बनाई मैंने मम्मी जी और की, और मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। देन उसके बाद अब हम निकले हैं बंदरों की खोज पे। मंगल, आज मंगलवार है तो इसलिए मम्मी जी और दान कर रहे हैं। ले ले, गुड, खाते रहो। ये पैकेट जल्दी खाली कर लो, नहीं तो उन्होंने वो करना है। सब डाल दो, बहुत सारे आप रहो। ये कहीं ले जाना चाहिए, पता नहीं तो जी तो। सो गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे साथ ना कुछ ट्रेजेडी हो ही जाती है। मतलब मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ मैं कहीं भी घूमने जाऊंगी तो मैं मिनी व्लॉग शूट करूंगी, बट वहाँ पर कुछ ऐसा मुझे एक्सप्लोर करने के लिए दिख जाता है कि फिर वो वीडियो हमेशा ना लॉन्ग हो जाती है। फिर मेरे को वो, आपको पता है कि यूट्यूब का जो रेशियो 9 है, बट जो मिनी व्लॉग का उसका रेशियो अलग है, वो इसका उल्टा है, बिल्कुल 9:16 है। इसलिए फिर आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही होगी वीडियो देखने में, तो कष्ट के लिए खेद है, फिर भी इंजॉय कीजिए पूरे वीडियो को। और इसमें हम दो बार चले गए लच्छी वाला, तो मैंने दोनों कंबाइन करके डाल दिया, एक बार मौसी के साथ, एक बार मैं गई अपनी मम्मी और के साथ, और उसमें मतलब दोनों मम्मियाँ दीदी और सब के सब गए थे, और एक बार गए थे मम्मी और। तो इसलिए इंजॉय करना व्लॉग को, और जो ये गलती है आगे से मैं याद रखूँगी कि मैं अपनी जो वीडियो के जो रेशियो है उसमें थोड़ा ध्यान दूँ। ठीक है, कॉम्बिनेशन देख रहे हो दोनों बहनों का, बिल्कुल सेम है। यहाँ पर मौसी मम्मी ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं, बिल्कुल बचपन आ रहा है दोनों के अंदर। उसके बाद है मेरी टर्न, ये देखो। मौसी जी को पानी से इतना डर लग रहा था कि मौसी पानी में आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। जो मम्मी के पीछे जो आंटी जी है जो पानी डाल रही है, इन आंटी जी की हेल्प से मौसी जी बड़ी मुश्किल से नीचे आई है। और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मौसी को थोड़ा हिम्मत आ गई मम्मी के साथ रह रह के, थोड़ा आगे तक घूम के आते हैं। फिर उसके बाद मैंने मम्मी जी को, सॉरी मौसी जी को गंगा में, जैसे गंगा में डुबकी मारते ना वैसे मारने के लिए बोला, बट मम्मी की डुबकियाँ देखना कैसे मारती मम्मी ने, सॉरी मौसी जी। पानी डालो, पानी मौसी को डुबा दो। चलो वन टू, मम्मी तो डूब भी गई। चलो मौसी का तो सर भी ढंग से नीचे नहीं जा रहा, कह रही डुबकी मार रही हूँ मैं, बताओ। बंद रखो, मुंह बंद रखो ना, ये भी माँ का था, बाल भी डूब रहे मौसी के तो। यहाँ पर है बिल्कुल साफ पानी, पहले हम गंदे पानी में चले गए थे नहाने के लिए, अब हम यहाँ पे दूसरी वाली जगह पे हैं। यहाँ पे बिल्कुल मस्त, आप देख सकते हो कि कितना साफ पानी हो रहा है। तो यहाँ पर मम्मी पानी के अंदर खो गई क्योंकि मम्मी के अंदर बहुत गर्मी आ रही है, मम्मी अपने सर को थोड़ा ठंडक दे रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम चल जाते हैं घर के लिए। बाय गाइस। सो गाइस, ये है सेकंड डे का व्लॉग, जब हम सेकंड डे आए थे लच्छी वाला, दोनों मम्मियाँ पूनम दिविशा। इस टाइम हम दिविशा के चक्कर से आए थे, और देखो दिविशा की नानी को तैरना आता है, इसी चक्कर से देखो दिविशा ने फ़ायदा उठाया। मम्मी स्विमिंग करते हुए जा रही है, दिविशा ऊपर बैठते हुए जा रही है, और ऐसे मौके का फ़ायदा मैं भी उठाती हूँ और पूनम भी उठाती है। तो मेरे तो मज़ा आ ही रहता है, कभी एक मम्मी के ऊपर चढ़ के जाती हूँ मैं, कभी दूसरी मम्मी के। तो अच्छे से इन्जॉय करना गाइस व्लॉग को, कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अच्छे वाले का व्लॉग कैसा लगा। इधर पे आए, इधर पे। बयाल
और जो ये मेरे पीछे इतनी सारी जो गर्ल्स गैंग आ रही है ना, इन सारी लड़कियों ने मम्मियों के कमर टेढ़ी कर दी थी, क्योंकि कभी इस वाली मम्मी के कंधे पे चढ़ के आ रहे थे, कभी इस वाली, क्योंकि मैं जब जा रही थी तो उन्होंने कहा जैसे आप इन दीदी को लेके जा रहे हो वैसे हमको भी लेके जाओ। ये देखो सब के सब पीछे पड़ गए कि हमको भी लेके चलो, हमको भी लेके चलो। एट द एंड पूनम ने भी मजे ले लिए थोड़े पानी के, क्योंकि वो भी अपनी बेटी के साथ ही लगी हुई थी, उसने ढंग से इंजॉय नहीं करा, पर मम्मी ने उसको थोड़ा इंजॉय करवा दिया है। तो होप कि गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, आप शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तो अब हम निकलते हैं पानी से, 3-4 घंटे से हम पानी में ही हैं, और फटाफट से अपने कपड़े वगैरह करते हैं चेंज, थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। बट जैसे ही हमने ऐसे ही सोचा तो ये देखो फिर बारिश, इतनी मोटी बारिश होगी, देहरादून का बोलते ना कोई भरोसा नहीं है, तो सेम वही हुआ। तो अब हम भीगते भीगते निकलते हैं घर के लिए, मिलते हैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर।